हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और अभी जो है गाइस, 5 रोजे मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हम आ गए आज भाई रामपुर की गलियों में। आज आपको दिखाने में रामपुर में कौन कौन से अच्छे अच्छे रात को फूड मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज शुरुआत करेंगे थोड़े थोड़े हलीम से शुरुआत करेंगे। कबाब पराठे थे कीमा। तो भाई आज जो हमारा फर्स्ट स्टॉप है नवाब पे है कीमा पराठा। तो कीमा पराठा तो यही लोग खाएंगे। कल भी मैंने नहीं खाया, एक ही बाइट खाई थी। गवाह हैं ये लोग, बोल सकते हैं। अच्छा ईमानदारी खाया था नहीं खाया था भाई? हम तो खाएंगे। हाँ, आप लोग खाएं बिल्कुल। और भाई यहाँ से लिए थे रात हमने रस वगैरह बिस्किट वगैरह लिए थे। तो जो हमारी भाई ने 4 बजे पहले चेक करे थे फिर लिए थे। भाई टेस्ट करके ही लेना चाहिए। सही बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो बस भाई ये क्या बढ़िया, सब कहना बहुत बढ़िया है ना। बढ़िया। तो गाइस रामपुर पहुंच चुके हैं हम। अभी देखिए भाई ये आगे हमारे राजा भाई का हलीम। हलीम अच्छा है नो डाउट। बस ये रामपुर में एक पता क्या है, बोटी कम देती है ये लोग ना। अभी नहीं भाई 10 बजे वही होगा ना, 11 बजे के बाद होगा। अभी तो 10:30 बजे हैं। अभी तो तरावी से लोग आ रहे होंगे ना। तो यहाँ पे ना बोटी बट एक एक दो दो हल्द्वानी का भाई अच्छा है। प्लेट में अगर 3 बोटियां देनी है, हल्द्वानी में क्या है ना, अगर 3 बोटी देनी है तो देनी है भाई, देनी है। उसके बाद भी ले सकते हैं। हाँ उसके बाद भी आप ले सकते हो। आपके में तो छोटा था, एक भी नहीं निकला। बड़े में एक इतना सा निकला, बड़े में निकला। हाँ इतना सा चावल का था। मैंने कहा बोटी है तो पैकिंग में नहीं देते। कौन देख रहा है? अरे यार तुम जब इतना बड़ा बना रहे हो तो भाई उतना क्वांटिटी से गोश्त भी तो डालो। उसमें पैसे तो पूरे ही ले रहे हो। या तो इतना तुम बना रहे हो है उसमें थोड़ा सा गोश्त डालो, उसका क्या फायदा। और भाई ये देखें कितना प्यारा गेट है, शीशा गंदा है अभी थोड़ा, मैं आपको क्लियर दिखा नहीं सकता। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं भाई नवाब पे। आधी भूख लग रही है ना। और देखो कैसे भागे फिर रहे भाई। सबसे अच्छा खाना जो इस टाइम नवाब का चल रहा है रामपुर में, जैसे हमने सुना है इसलिए हम बार बार आ जाते हैं भाई खाने में। रुद्रपुर स्पेशल भाई के पास ये है रेडी हो रहा कीमा और ये हो रहे रेडी हो रहे पराठे। तो गई अभी आगे भाई ये है कबाब। मतलब क्या है ना, कबाब कीमे को ना निकलता मुँह से वही है कि कबाब पराठा, कबाब पराठा भी यही कहना था। अरे मतलब एकदम फ्लो बनता है ना कबाब पराठे का, क्योंकि है नहीं मैं नहीं लूँगा आप लोग भाई। एकदम फ्लो बनता है ना कबाब उसका, कबाब पराठा पर, कबाब पराठा है कीमा पराठा, कीमा पराठा। हाँ भाई। तो गाइस आ गई हैदराबादी बिरयानी। मुझे ना हैदराबादी बिरयानी खाने की क्रेविंग रहती है, बट वहाँ जैसी होती है ना मिलती नहीं है। एक बार तो सीधा हैदराबाद से बिरयानी खाने गए हुए, सिर्फ बिरयानी दिल्ली से, हैदराबादी बिरयानी जब वहाँ दिल्ली रहते जाते। हाँ दिल्ली वाले दिन अलग थे भाई, वो जो दिन थे वो चांदनी थी वो अलग थी। तो गाइस आ गए भाई, कहाँ थे? कहाँ थे भाभी? अच्छा। तो गाइस अभी जो है भाई कबाब पराठा वगैरह, सॉरी यार कबाब कीमा, कबाब कीमा वगैरह तो खा लिया भाई। और ये तो ऐसी भीड़ हो जाती है यार हलीम पे, बड़ी भीड़ हो जाती है एकदम। तो भाई चलो थोड़ा सा, तो मैं तो हलीम खाऊंगा ही, हलीम लवर यू नो। तो गाइस अभी शेक पीना था भाई, एक नया शेक पॉइंट खुला है रामपुर में। कौन सा है तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगता है? देखते हैं इसका टेस्ट क्या है। लेकिन आज बड़ा ना मतलब थोड़ा लोनली सा दिन चल रहा है, वो नहीं आ पा रहा, फील नहीं आ रहा है, फील नहीं आ रहा। तो अभी निकलते हैं आप भाई, थोड़ा सा फील कराते हैं आप लोग सिंह साहब फूड्स पे, आपको थोड़ा सा फील अप कराते हैं भाई। तो गाइस अभी हम हैं रामपुर में और भाई खाना वाना तो जो खाना था वो खा लिया एंड अभी भाई पी रहे हैं सिंह साहब फूड पे शेक्स वगैरह पी रहे हैं। भैया ने कहा बनाना एंड खजूर बेस्ट है, तो टेस्ट कर रहे हैं बनाना एंड खजूर। मैंने कहा एक मैंगो लगा दे, दो बनाना एंड खजूर लगा दे, तो टेस्ट करते हैं कैसा है क्या है, फिर जब ही आगे पहुँचेगी। तो गाइस आ गए ये है बनाना शेक आ गया भाई का, टेस्ट करो यार। बड़े बड़े के भैया आज कहते बड़े शांत हो रहे हो आप। तो गाइस अभी आ गया मेरे मैंगो शेक, मैं टेस्ट करता हूँ। इन लोगों ने तो कर लिया एवरीवेयर। गाइस एक मंगाई थी फ्रूट क्रीम हमने, ये भी टेस्ट कर लेते हैं। देखो यार ब्रो फ्रूट क्रीम अच्छी हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। और आज जो है सिक्स रोज़ा है और अभी जो है मैंने रोज़े की सारी तैयारी कर ली, बस थोड़ी बहुत रहती है। और आज अनस की तबीयत
कुछ ठीक नहीं हो रहे तो अनस लेटे हुए थे, तो व्लॉग भी इस वजह से स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने अपना मिनी व्लॉग जो वो बहुत अच्छे से शूट करा, आप लोग व्लॉग तो स्टार्ट है, आज से स्टार्ट है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने अपना मिनी व्लॉग बना लिया, थोड़ा सा रहता है, आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं तो मेरी भी मतलब हिम्मत हो रही है अच्छे अच्छे से शूट करने की, और इतना प्यार देना, थैंक यू। अब ये जो है, अब क्या करना है आगे, बस अब आपको क्या क्या रह गया, आगे जो करना है कुछ नहीं करना है, आगे सब कुछ हो गया है, बस अभी जो है पकौड़िया करनी है लास्ट। मैं आ रहा हूँ। ओके, पकौड़ी पापड़ फ्राइज वगैरह। किसी ने ये कहा कि इफ्तार के बाद कहना चाहिए बर्तन दो, सोनम खान आप लोग कमेंट करते ना, बताए भी करे करे कि आप कहाँ से हो, कौन हाँ, अपना वो हमें कैसे पता चलेगा कौन कहाँ से है, तो ये बात बिल्कुल सही है, आप मेरे साथ हो वाकई इफ्तार के बाद के सहरी के बाद के, और मतलब इतने बर्तनों में तो इतनी बरकत है ना रियली कि मतलब क्या बताया जाए, बर्तन ही बर्तन है बस, और सबसे ज्यादा औरतों का, औरतों पे कितना प्रेशर है ना रमजानों में, मतलब काम का। अच्छा मैं सारा काम करवा रहा हूँ, बर्तन औरतों पे बहुत है, हकीकत बात है ये सच में। अगर आपने मतलब जेंट्सों का देख लिया बटन, तो क्या बर्डन क्या है उनके ऊपर, रमजानों में इतना काम है ना, औरतों को बेचारियों को आराम नहीं कर सकती, वो रोजे के बाद सोचे कि चलो अब रोजा खुल गया अब कोई वो नहीं, तो बर्तन सफाई फिर तराबियों के लिए जो लोग सभी खड़े होते हैं, लेकिन औरतों को फुर्सत नहीं है सच में। तो अभी जो है चलते हैं किचन में, पहले मैं पढ़ लेती हूँ असर की नमाज, अजान हो गई उसके बाद चलते हैं किचन में, आपको दिखाते हैं आज जो भी है, जो क्या है मैंने सब कुछ तैयार कर लिया, उस टाइम मैंने शूट नहीं करा, तो अब जो जो बचा वो दिखाते हैं। तो गाइस रेबा कर रही है अभी कबाब की तैयारी, शामी कबाब की तैयारी कर ली है, इसके साथ और क्या है भाई, इसके साथ क्या खाना पसंद करेंगे आप, पराठे खाना पसंद करेंगे, जो खिला दो आप, जो आप खिला दे वो खा लेंगे हम, बताइए जो आप खिला दे वो खा लेंगे। सही गाइस अभी देखिए कबाब वगैरह रेडी हो रहे हैं, उधर वो मेरा फ्रूट बाउल भी रेडी हो गया है, तो सॉरी यार आजकल पता है सैलेड बाउल मेरा है, छोले और सैलेड बाउल मेरा हो गया है, एंड रेबा वो फ्रूट्स कट हो गए या करवाऊं, फ्रूट्स अभी कट होंगे, अगर फ्रूट्स कट होंगे और लाइए मैं पकौड़ी वगैरह कर लूं, अभी ये सारे करोगे आप, ये पापड़ पापड़ कबाब क्या हो रहा है मुझे आज, मेरे लगता है मानसिक संतुलन ठीक नहीं चल रहा तो ये आप कबाब अभी सारे करेंगे, थोड़ी देर लगेगी, सारे टाइम नहीं लगता, तो आप छोटे वाले पे कर लें, मैं इधर कर लेता हूँ, दोनों मिल छुल के साथ साथ कर लेते हैं, 6 बजने वाले, हाँ आप तेल और में रख दें गरम जब तक, छोटे पे रख दें, हाँ और आज ना वो मत करना, कल जैसे इन्होंने भाई पकौड़ियों में नमक डालना भूल गई है, नमक डालना में क्यों भूल गई, तुम्हारी हड़बड़ी में भूल गई, सब सामान मैंने डाला उसमें, और मैंने कहा नमक अभी डालूंगी इतनी देर में, तुम आ गए किचन में, अच्छा अब मत बोलना, अब डाल दिया मैंने पहले, अच्छा डाल दिया पहले, रेडी कर दिया, तो अब मैं चले बस मैं फ्राई कर लेता भाई, जो क्रेडिट है भाई मैं कहता हूँ, मेरी बीवी को ही जाता है, ये कहती है कि सब कुछ मैं करके देती हूँ, तुम सिर्फ ट्राई करते, तो मैं कहता हूँ देखो शेफ के साथ हेल्पर्स तो बहुत होते हैं, तो वेजिटेबल्स वगैरह कट करने के, जो होते मसाले भी फिर खुद ही, तो मैं तो खुद डाल लेता हूँ, तुम्हें पता है मसालों में तो मेरे हाथ कितना अच्छा है। तो भाई सब दुआ कर रहे हैं, टाइम होने वाला है, दस्तरखान लग चुका है, 5 मिनट बचे हैं बस, बस मिलते हैं आपको इफ्तार के बाद। तो गाइस मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आज जो है 6 रोजे मुकम्मल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल ना मुझे इतना ज़्यादा मुझे क्रेज रहता था वो ज़्यादा से ज़्यादा डिशेज बनाने का, और मैं बहुत चीज़ें बनाता था, इस बार ना ये मैं दिल से वो बता रहा हूँ कि जब दस्तरखान पे रोजे के टाइम बैठते हैं ना तो वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और ना मैं इस बार ज़्यादा बना रहा हूँ, जितने फ़िलिस्तीन के लोग हैं मैं उस पर देखता हूँ, जितनी पोस्ट आ रही हैं कैसे कैसे करके रोज़ा खोल रहे हैं, और हम तो यार जब भी मतलब इतना उससे रोजे जो यहाँ लोग हैं नहीं रख पा रहे लोग, वहाँ मैंने कल देखा था कि मतलब वो पता नहीं रियलिटी थी जो भी था कि घास से रोजा खोल रहे थे, तो भाई बहुत दुख होता है, और मतलब कुछ भी दस्तरखान में होता है ना तो खाने का अच्छा भी नहीं लगता, कि जितना ज़्यादा मुझे क्रेज़ होता था ना नई से नई एक्सपीरियंस करना बनाना, मैं बहुत चीज़ बनाता था, इस बार तो ना मेरा मन ही नहीं करता कुछ भी, तो बस इस ब्लॉग को करते ही एंड, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़े, रोजे रखे, तिलावत करे, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, ओके बाय, अल्लाह। तो इस ब्लॉग का करते ही यही एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, इससे पहले मेरा मिनी ब्लॉग जरूर देखना, यहीं तक तब लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।